नमस्कार जी, एजुकेशन नॉलेज टीम में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? अगर आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्टूडेंट हैं, टेंथ एंड ट्वेल्थ के, अगर आपके कंपार्टमेंट आई हुई है मार्च 2020 में एग्ज़ाम अगर आपने दिया था, कंपार्टमेंट आई हुई है, कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम देने वाले हैं सितम्बर 2020 में, तो वीडियो अंत तक देखिएगा भाई। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिएगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करवाना कहाँ तक सही है। जब हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर भी हरियाणा में सेफ नहीं है, इनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। जो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने खुद अपनी जानकारी ट्वीट करके मीडिया को बताई और सभी को, प्रदेशवासियों को बताया कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है। तो जहाँ तक हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर भी सेफ नहीं है हरियाणा में, तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम करवाना कहाँ तक सही है हरियाणा बोर्ड के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी करवाया जाएगा अगले महीने में जो कि सितंबर में, और एग्ज़ाम आपका तकरीबन 25 तारीख के आसपास एग्ज़ाम रहने वाला है जहाँ तक जानकारी मिली है। तो कहाँ तक सही है भाई, क्योंकि एवरेज बेस पे जैसे पहले पास किया था अब भी पास कर सकता है बोर्ड, लेकिन आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं सभी के साथ, तो कुछ निर्णय हो सकता है। जब सीएम साहब ही सेफ नहीं है तो आप सेफ किस प्रकार होंगे, ये तो आप सभी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ की बात होने लग रही है। तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी अगर आप चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम हमारे ना हो और हमें वैसे ही पास कर दिया जाए पिछले एवरेज नंबर व पिछले मार्क्स को देखते हुए। धन्यवाद।